तो so तो yeah, so आज हम खेलने जा रहे हैं क्रिकेट 22 so, इस वीडियो में जो आज हम खेलने जा रहे हैं क्रिकेट 22 के अंदर वो है Super Overcup. Super Overcup में कुछ भी नहीं है एक एक ओवर के सिंपल मैचेस होंगे उसमें जो टीम्स हैं दोनों भिड़ेंगी टीम्स और उनके जो फेवरेट जो प्लेयर होते हैं जैसे कि सीएस के में एम एस धोनी हो गए मुंबई में रोहित शर्मा हो गए या दीप आपके सूर्य कुमार यादव हो गए तो मैं उनसे कराऊंगा बॉलिंग और जो उस टीम का जो बॉलर है मेन उससे मैं बॉलिंग नहीं कराने वाला हूँ जो मेन जो प्लेयर्स हैं इनके उनसे मैं बॉलिंग कराऊंगा और उस प्लेयर से जब मैं बॉलिंग कराऊंगा तब देखते हैं कौन सा जो टीम है वो अपने स्कोर को जो है डिफेंड कर पाता है मतलब जो उन्होंने स्कोर क्रिएट करा है उसको वो डिफेंड कर पाता है तो मैं सिर्फ करने वाला हूँ इसमें बॉलिंग में बैटिंग नहीं करूँगा मैं सिर्फ बॉलिंग करूँगा दोनों सीट दोनों टीम से ही मैं सिर्फ बॉलिंग करूंगा तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले मैच को तो देखते हैं पहला मैच किस किस के बीच में है तो गाइज अपना पहल तो गाइज अपना पहला मैच जो है वो है चेन्नई वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद तो चेन्नई की तरफ से आपको पता है कौन है आप वन एंड ओनली थाला जो है बॉलिंग करने वाले हैं और सनराइज़र की तरफ से मैं बॉलिंग करवाऊंगा से अभी मेरे को भी नहीं पता मैं किससे कराने वाला हूँ मैं पहले टीम देखूंगा उसके हिसाब से डिसाइड करूंगा तो मैं पहले बॉलिंग ले, ले लेता हूँ सी में कि मेरे को पैसे भी बॉलिंग करनी है तो वन एंड ओनली थाला से मैं बॉलिंग कराने वाला हूँ जैसा कि आप लोग को पता है तो थाला से जल्दी से बॉलिंग कराते हैं तो जहाँ पे देख सकते हैं आप जो है थाला आ चुके हैं पहली बॉल डालते हैं थाला देखते हैं कैसी बॉलिंग करते हैं मेरे को नहीं अंदाजा कि थाला बॉलिंग कैसी करते होंगे वैसे अच्छी करते होंगे तो पहली बॉल देखते हैं क्या होता है पहली बॉल जो है खाली निकाल दी है वन एंड ओनली हमारे माही भाई ने जो है पहली बॉल खाली निकाल दी है मुझे नहीं पता थी इतनी अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं माही भाई तो फर्स्ट बॉल जो है खाली निकाल दी है सेकेंड बॉल पे देखते हैं क्या होता है सेकेंड बॉल भी मैं सोच रहा हूँ डॉट ही निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है सेकेंड बॉल भाई एम्पायर के सर के ऊपर से मार दिए यहाँ प्लेयर ने भाई सेकंड प्लेयर भाई क्या कर रहे हो भाई फील्डिंग नहीं हो रही तुम पे दो रन भाई दिलवा दिए बिना बात के इस बॉल पे जहाँ एक रन था वहां दो रन दिलवाए भाई तुम लोग ने तो यानी कि अब दो बॉल दो रन हो चुके हैं डॉट बॉल निकालने को कोई फायदा नहीं हुआ यार पहली बॉल गई अब देखते हैं थर्ड बॉल पे क्या होता है थर्ड बॉल में सोच रहा हूँ फिर से डॉट जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा थर्ड बॉल पे गई चौका मार दिया भाई यॉर्कर बॉल पे चौका मारा मैं सोची थी यॉर्कर पे कम से कम चौका नहीं खाऊंगा यहाँ पे तो यॉर्कर पे भाई कवर ड्राइव मारा इतना बढ़िया शायद फुलटर्स गिर गई इस वजह से चौका मार दिया देखते अगली बॉल पे क्या होता है थोड़ा पीछे ही रखी है मैंने बॉल इस बार का नहीं डाल लिया भाई इस बार फिर से खाली निकाली इस बार अगर एज लगता तो पक्का आउट था ये बैट्समैन बस एज नहीं लगा इसलिए बच गया ये बैट्समैन यहाँ पे तो चार बॉल छ रन हो चुके हैं सर एच के इस टाइम पे दो बॉल बची हैं पहली बॉल बची है जो वो डाल दी फिर से एम्पायर के सर के ऊपर से निकाल दिए ये बॉल इस बार दो बार रन मत देना भाई फील्डिंग अच्छी करना नहीं नहीं इस बार तो अच्छी फील्डिंग करी है एक ही रन मिला है तो इस बार अब इस बॉल पर एक रन के बाद क्या हो गया पांच बॉल सात रन जो है स्कोर हो चुका है सारे का इस बॉल पे अगर डॉट आती है तो यही फाइनल स्कोर हो जाएगा अगर एक रन आता है तो आठ रन हो जाएंगे और हमें वो डिफेंड करने पड़ेंगे तो इस बॉल पे भाई शॉर्ट बॉल डालने के बाद जो है डिफेंड करने के लिए हमारे पास जो रन बचते हैं वो है सात रन हमें सात रन जो है गाइस डिफेंड करने हैं एज एस आर एच क्योंकि अब मैं एस आर एच की तरफ से बॉलिंग करूंगा तो मैं स्विच करता हूं जल्दी से साइड को तो देखता हूं मैं किसकी तरफ से बॉलिंग एस आर एच में क्या बन के बॉलिंग डाल रहा हूँ तो मैं राहुल त्रिपाठी को चूज़ किया क्योंकि इनका जो बेस्ट बैत, बैट्समैन था वो था राहुल त्रिपाठी तो मैं उसी को चूज़ कर छह बॉल में आठ रन जो है हमें डिफेंड करने हैं तो पहली बॉल जो है मैंने डाली देखते क्या होता है पहली बॉल पे भाई विकेट का चांस था यहाँ पे बट बॉल शायद टिप करके वहां गया है तो शायद डिप हुआ बॉल तो वैसे विकेट नहीं मिला हमें तो उसके बाद देखते हैं अगली बॉल पे क्या है? भाई इस तरीके से अगर हम डॉट निकालते रहे तो सीएसके हार जाएगी पांच बॉल में आठ रन चाहिए और ये इस बॉल पे फ्री हिट भाई शिट नो बॉल डल गई यार गलती से मेरे से मेरे को उम्मीद नहीं थी ये नो बॉल डलेगी बट गलती से नो बॉल डल गई यार वैसे मैं इंटेंशनली ऐसा नहीं किया है अगली बॉल मैंने यॉर्कर इसलिए रखी है नहीं गाई यॉर्कर बॉल पे भी यहाँ शॉर्ट पड़ रहे हैं पिछली जो इनिंग्स थी आपने उसमें भी देखा था सी एस के ने सी एस के टाइम पे भी मैंने जब यॉर्कर रखी थी तब चौका आया था यहाँ पे फिर से चौका आया तो टोटल अब चार बॉल में तीन रन गाइज गेम बिल्कुल ही पलट चुका है जहाँ हम देख रहे थे सारे जीत सकती थी वहाँ अब हार रही है एस एच भाई इस बॉल पर शायद मैच ख़त्म हो सकता है और भाई ख़त्म हो चुका है इस बॉल पे मैच तो सी एस के ने जो है पहला मैच जीत लिया है और ऐसा जो अपना टारगेट जो है डिफेंड नहीं कर पाई और जल्दी से चलते हैं हम इससे यहाँ से नए मैच पे तो गाइज अगला मैच जो है वो है हमारा दिल्ली कैपिटल वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैगलोर तो दिल्ली कैपिटल से आपको पता है मैं डेविड वार्नर से ही बॉलिंग कराने वाला हूं और जो आरसीबी है उसकी तरफ से मैं आपको पता है किससे बॉलिंग कराऊंगा विराट कोहली द किंग्स है ठीक है तो अभी जो है आर ने जो है टॉस जीत लिया है तो आर क्या चूज करती है तो आर ने जो है चूज करी है बॉलिंग तो मैं जल्दी से आर की साइड स्विच करता हूँ तो देखते हैं विराट कोहली कैसी बॉलिंग करते हैं तो विराट कोहली का एक्सपीरियंस मुझे पता नहीं है कैसे बॉलिंग डालते हैं बट अच्छी डालते होंगे तो पहली

तो अब यहाँ पे डेविड वार्नर जो है सामने आ चुके हैं विराट कोहली के देखते कैसी बॉलिंग करते हैं विराट कोहली डेविड वार्नर को तो अगली बॉल पे हम देखते क्या होता है भाई डेविड वार्नर ने यहाँ पे फ्लिक करा है शॉट को और यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है चार रन मिल गए हैं लेग साइड की तरफ हल्का सा फ्लिक करा और चार रन बटोर लिए भाई डेविड वार्नर ने क्लास के साथ खेलता है भाई ये बंदा अगली बॉल डालते हैं कोई बात नहीं देखते हैं इस बॉल पे क्या होता है भाई बच गया ये एक रन एक रन भाई मारना चाहिए डेविड वार्नर की तरफ शिट यार नॉन स्ट्राइकर बॉल मारते यार आउट होता है यहाँ पे नहीं लेकिन कोई बात नहीं फील्डिंग अच्छी नहीं करी है कोई बात नहीं बट हम बॉलिंग अच्छी करके अभी भी मैच जीत सकते हैं तो भाई यहाँ पे अगली बॉल पे जो मार रहा है चार नहीं जाना चाहिए भाई अच्छी फील्डिंग यहाँ पे अच्छी फील्डिंग है अप्रिशिएट दैट फील्डिंग उसके बाद अब चार बॉल में ग्यारह रन या सॉरी पांच बॉल में ग्यारह रन हो चुके हैं आखिरी बॉल बची है इस बॉल पे अगर सिंगल आता है तो बारह रन हमें डिफेंड करने पड़ेंगे बाउंड्री आती है तो पंद्रह रन और सिक्स आता है तो सत्रह रन हमें डिफेंड करने पड़ेंगे देखते क्या होता है भाई इस बॉल पे कुछ नहीं आया सिंगल आया एक तो यानी कि हमें जैसा कि मैंने बोला था 12 रन डिफेंड करने पड़ेंगे तो जल्दी से मैं स्विच करता हूँ अपनी साइड दिल्ली कैपिटल्स की तरफ क्योंकि अब मुझे डिफेंड करने हैं टोटल 12 रन छह बॉल में 12 रन डिफेंड करना इजी नहीं है लेकिन कर भी सकते हैं हम क्योंकि अगर फाइव सामने है तो ईजी तो नहीं होने वाला ऑब्वियसली बट देखते क्या होता है डेविड वॉर्नर कैसी बॉलिंग करते हैं पहली बॉल जो डाली हमने फाइव डुप्लेसी को भाई फाइव डुप्लेसी ने ड्राइव मार दिया भाई चार रन के लिए पहली बॉल भाई बंदा शायद पवेलिया से से सेट हो गया है यार नहीं पहली बॉल पे कोई कैसे मार सकता है? भाई एक ओवर का मैच है बट इतना को तो लोगे क्या बिल्कुल ही तो कोई बात नहीं ठीक है बदला लिया है तो कोई बात नहीं हम देखते पांच बॉल में नौ चाहिए जीत सकते हैं हम इस मैच को बहुत आसानी से भाई मुझे नहीं लगता ये बंदा हमारी टीम को जीतने देगा भाई बचाया क्या रन नहीं चार रन भाई दिया यहाँ पे भी भाई दो बॉल में दो चौके मार चुका है ऐसे तो यार इस बॉल पे मैं जीत जाएंगे नहीं भाई नहीं जाना चाहिए इस खा चुका है यार ये प्लेयर फाउ टू प्लेसिस भाई ऐसे नहीं खेलना था आराम से खेलना था चार बॉल में पांच रन चाहिए भाई अभी भी ये भाई बच गए बच गया नहीं गया कुछ भी फिलहाल तो तो अभी कुछ भी नहीं गया बच गए हम फिलहाल यहाँ पर चार बॉल में पांच रन चाहिए अभी भी, भी। डॉट बॉल निकली है। ये अच्छा हुआ तीन बॉल तीन चौके तो मार चुका है भाई इस बॉल पर रन नहीं जाना चाहिए इस बॉल पे भी उसी डायरेक्शन में घुमाया बैट इस बार रोक लो नहीं रुकेगी सेम चौका पिच पहली वाली बॉल की तरह अब तीन बॉल में एक रन चाहिए स्कोर तो जो है लेवल हो चुका है गाइस मुझे नहीं लगता इस मैच को हम जीत पाएंगे मतलब नहीं भाई जीत गई आरसीबी गुजरात वर्सेस राजस्थान जो है वो अपना नया मैच है देखते हैं गुजरात को गुजरात जीतती है या राजस्थान तो गाइस गुजरात को अगर आप सपोर्ट करते हो तो जल्दी से जाके कमेंट कर देना तो गुजरात की तरफ से जो मैं बॉलिंग कराने वाला हूँ वो है गिल और क्या कहते हैं राजस्थान की तरफ से जो मैं बॉलिंग कराऊंगा वो है हमारे जॉस बटलर ठीक है दोनों स्टार प्लेयर हैं दोनों टीमों के तो मैं उनसे ही बॉलिंग कराऊंगा ऑब्वियसली बात है तो फिलहाल कौन जीता है टॉस राजस्थान ने जीता है क्या हाँ राजस्थान ने जो टॉस जीता है बैटिंग लिए तो मतलब गुजरात से मैंने कंट्रोल कर ही रखा था तो मैं अभी बॉलिंग ही करने वाला हूँ तो मेरे को कंट्रोल चेंज करने की जरूरत नहीं तो शुभमन गिल जो है पहले बॉलिंग करेंगे मैंने पहले ही बोला था तो पहली बॉल डालते हैं शुभमन गिल से देखते शुभमन गिल कैसी बॉलिंग डालते हैं यहाँ पे तो पहली बॉल डालते हैं तो क्या होता देखते है देखते हैं पहली बॉल घुमा दिया भाई यहाँ पर यशस्वी जयसवाल जैस्ट ने बैठे और एक रन मिला है पहली बॉल पे इन्होंने अपना जो है खाता खोला है एक बॉल एक रन कर दिया है स्कोर राजस्थान ने अपना एक बॉल एक रन अब राजस्थान सही देखते हैं खेलती है नहीं खेलती संजू सैमसन है अगले बैट्समैन तो सुमन गिल के सामने संजू सैमसन देखते हैं स्कोर क्या होने वाला है अभी फिलहाल मुझे लगता नहीं है संजू सैमसन इस बॉल को खेल पाएगा मैंने बॉल अच्छी डाली है देखते क्या होता है नहीं गाइस देखा मैंने बोला था ना बॉल अच्छी डाली है मैंने एज लेके बॉल पीछे चली गई हो सकता है बॉल एज लेके विकेट में भी जा सकती थी विकेट मिलता तो गाइस मैंने फिर से उसी बॉल को वहीं सेट कर दिया है देखते हैं इस बॉल पे क्या मिलता है इस बॉल पे गाइस एक सिंगल रन मिला है राजस्थान को तो तीन बॉल दो रन हो चुका है अब स्कोर राजस्थान का इस टाइम पर तो देखते हैं यशस्वी जायसवाल क्या करते हैं यशस्वी जायसवाल क्या लगता है मार पाएंगे नहीं मार पाएंगे मुझे नहीं लगता गाइज यशस्वी जायसवाल इस बॉल पर मार पाएगा तो गाइस इस तीन बॉल में दो रन है इस बॉल को देखते क्या होता है चार का रन रेट चल रहा है राजस्थान का वैसे इस टाइम पे देखा जाए तो तो अभी फिलहाल चार रन मार दिया है नहीं चार रन गया नहीं गया नहीं गया बाउंड्री बड़ी है नहीं गया चार रन तो अभी एक रन मिला या दो रन मेरे को इस पर कंफ्यूजन है मेरे ख्याल से दो रन मिले हैं वहां पर तो अभी स्कोर आ जाएगा तो पता चल जाएगा हाँ दो रन मिले हैं तो अभी चार बॉल में चार रन जो है स्कोर लेवल हो चुका है देखते इस बॉल पर क्या जाता है इस बॉल पर विकेट मिले भाई नहीं स्वीप मारा था बंदे ने बट मैंने फील्डर इसलिए रखा था कि अगर स्वीप मारे बंदा तो वहां चौका ना जाए क्योंकि मैं पिछले मैच में सीख चुका हूँ कि अगर स्वीप मारता है तो भाई बंदा चौका ले जाएगा पिछले मैच में स्वीप मारा था भाई तो इसमें तो मार भी सकते हैं इस बॉल पे भी खाली यानी कि एक ओवर में टोटल चार रन जो है मैं डिफेंड करने मुझे नहीं लगता राजस्थान इस मैच को कभी भी जीत सकता है छह बॉल में चार रन डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल काम है भाई जिस हिसाब से शुभन गिल का जो है फॉर्म चल रहा है मुझे नहीं लगता डिफेंड कर पाएंगे हम छह बॉल पांच रन मुश्किल है ये गाइस पहली बॉल जो हमने डाली है पहली बॉल पे बैट घुमाया शिवमन गिल ने एक रन मिला है यहाँ पे तो यानी कि अब पांच बॉल में चार रन चाहिए अब रिधिमन शाह जो है स्ट्राइक पे आ जाएंगे तो चार बॉल में पांच रन सॉरी पांच बॉल में चार रन चाहिए गाइस पांच बॉल में चार रन तो बहुत ईजी है बनाना एक चौका मारेगा कोई बना देगा एक एक रन लेके भी खेलेगा तो भी कोई जीत जाएगा देखते हैं यार गुजरात जीत पाती है इस मैच को या नहीं तो मैं अगली बॉल डालता हूँ जल्दी से देखते हैं अगली बॉल पे क्या होता है पांच बॉल में चार रन ये बॉल डाली गाइज मैंने और जो है डॉट बॉल ये मैंने थ्रो करा और ये क्या आउट ये ये किस तरीके से आउट हुआ है भाई ये मेरे को समझ में नहीं आया एक मिनट मैं दोबारा देखूंगा ये आउट किस तरीके से दिया भाई एक मिनट मैंने बॉल डाली बॉल डालने के बाद इधर रिधिमन शाह ने घुमाया बैट डॉट के लिए गई थी बॉल उसके बाद मैंने थ्रो किया और डायरेक्ट विकेट्स पे जाके मार दिया अच्छा शायद रिधिमन शाह रन लेने की कोशिश कर रहा था उसे कैंसिल किया शुभमन तो वो जब तक वापस नहीं पहुंच पाया थ्रो लग गई अगली बॉल डालते हैं देखते क्या होता है अगली बॉल पर गाइस एक रन भी नहीं आया गा। है तो गाइज अभी मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है तीन बॉल के अंदर चार रन चाहिए गाइज मुझे नहीं लगता तीन बॉल में चार रन बहुत ज्यादा मुश्किल है इस बॉल को अगर डॉट निकालते तो यार गाइज नहीं मुझे नहीं लगता राजस्थान इस मैच में वापस आ सकती है फिलहाल अभी भी गेम में बनी हुई है दो बॉल में तीन रन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला गुजरात के लिए जॉर्ज बटलर ने अब तक अच्छी बॉलिंग करी है दो रन दिए और एक विकेट भी ले लिया तीन तीन बॉल में, तीन रन चाहिए दो बॉल के अंदर थी नहीं, नहीं, नहीं कोशिश कर रहे थे मतलब पिछली, पिछली, में, में। पिछली बॉल पे ही। एक बॉल में दो रन गाइज ये यहाँ पे तो मैच ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है एक बॉल पे अगर इस पे रन आता है तो मैच ड्रॉ होगा सुपर होगा नहीं गया गाइज डॉट बॉल और यहाँ पे एक रन से भाई मैच जीत चुके हैं हम गुजरात भाई एक रन से मैच हारा है यार राजस्थान से मतलब इस तरीके से देखो आउट हुआ था वो में अगला मैच देखते हैं हम अगला मैच है हमारा केकेआर वर्सेस पंजाब तो केकेआर की तरफ से जो मैं बॉलिंग कराने वाला हूँ वो मैं कराने वाला हूँ रिंकू सिंह से क्योंकि रिंकू सिंह इनका स्टार प्लेयर है और जो पंजाब की तरफ से जो हमारे गब्बर जो है बॉलिंग करने वाले हैं तो देखते कौन टॉस जीता है टॉस जो जीता है वो शायद पंजाब ने जीता और वो बॉलिंग करेगा तो मैं जल्दी से स्विच करता हूं अपनी साइड को पंजाब की तरफ और गब्बर से हम जल्दी से बॉलिंग कर इस गब्बर की जो बॉलिंग आ चुकी है मतलब भाई आप इंटरेस्टेड थे देखने के लिए मुझे पता है गब्बर की बॉलिंग क्योंकि मैंने भी आज तक उनको बॉलिंग करते हो ज्यादा नहीं देखा है तो पहली बॉल डालते हैं जल्दी से देखते हैं कैसी बॉल डालते हैं शेखर धवन तो जो पहली बॉल क्या है पहली बॉल डॉट गाइस पहली बॉल डॉट अच्छी बॉलिंग पहली पहली बॉल अच्छी डाली है मैंने एज इन्हें बॉलिंग करते हो कभी नहीं देखा सेकेंड बॉल देखते हैं कैसी डालते हैं शिखर धवन सेकेंड बॉल भाई डाली है एक रन मिलेगा यहाँ पे मेरे ख्याल से एक रन तो कंफर्म है हाँ एक ही रन मिला है तो नीतीश राणा ने एक रन ले लिया है दो बॉल में तो यानी दो बॉल एक रन जो हो चुका है अब एक आर का आंध्र साल भाई स्ट्राइक पे पावर हेटर है कुछ भी हो सकता है कभी भी बाउंड्री आ सकती है तो देखते क्या होता है नहीं गाइस खाली एलबीडब्ल्यू एलबीडब्ल्यू डब्ल्यू बी हो सकता है नहीं नहीं दिया एम्पायर ने शायद पिचिंग नहीं थी उस साइड देखते हैं क्या होता है अगला अगली बॉल डालते हैं वैसे हमने एक बॉल तो खाली निकाल ही दी है नहीं रन आउट रन आउट रन आउट गाइज रन आउट, आउट का मौका नहीं रन आउट नहीं हुआ गाइज बच गया नीतीश रन रन आउट हो सकते थे पिछले मैच की तरह ही इस बार भी हो सकता था ऐसा रनआउट देखने को मिलता बट नहीं मिला है दो बॉल हमने खाली निकाल दिया चार बॉल एक रन भाई आंध्रसल के सामने तीन की तीन बॉल खाली भाई आंध्र नहीं मार पा रहा यार पावर हिटर होने का क्या फायदा आंध्र रसल तुम्हारा पांच बॉल एक रन भाई ये मैच तो बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा इस तरीके से अगर देखा जाए तो भाई शेट यार ये क्या चल रहा है यार ये क्या है तो डिफेंड नहीं कर पाओगे तुम दो रन मिले वो भी मिस फील्ड के चलते मिले हैं दो रन एक रन तो मतलब के चलते मिला है और दो रन बनाए टोटल को पहली बॉल, पहली बॉल बल्ला घुमा दिया भाई यहाँ पे गब्बर ने तो यानी छह बॉल तीन रन थे अब बचे हैं पांच बॉल दो रन क्योंकि अब एक रन ही मिला है यहाँ पे तो देखते हैं परभसिमरत सिंह क्या करते हैं प्रभ सिमरन सिंह क्या करते हैं देखते हैं यहाँ पे पहली बॉल डालते हैं परभ सिमरत सिंह को हम पहली बॉल पे क्या मिलता है हमें गाइस यहाँ पे डॉट बॉल देखने को मिली है गाइस हमें अभी मुझे लग रहा है यार राजस्थान वाला यहाँ कारनामा हो सकता है चार बॉल दो रन क्या पता चार बॉल में से तीन बॉल खाली निकल जाए रिंकू सिंह की इस बॉल को डाल के देखते हैं भाई नहीं गलत बोल रहा था मैंने एक्साइटमेंट में ज्यादा जल्दी बोल दिया यहाँ पे चार रन मार के जिता दिया भाई पंजाब को यहाँ पे उन्होंने तो गाइज रिंकू सिंह ने कोशिश अच्छी करी थी बट एट एट दी एंड ऑफ द डे पंजाब जो है विनर है हमारा अगला मैच जो है हमारा लखनऊ वर्सेज मुंबई इंडियंस ठीक है तो लखनऊ की तरफ से मैं बैटिंग जो है मतलब बॉलिंग जो है कराने वाला हूँ इनके दीपक हुडा से क्योंकि वो भी अच्छा बैट्समैन है मैं चाहता तो के एल राहुल से भी करा सकता था बट नहीं बट मैं जो एम आई की तरफ से जो है सूर्य कुमार यादव की तरफ सूर्य कुमार यादव से बॉलिंग कराऊंगा ना कि रोहित शर्मा से क्योंकि मुझे लगता है यार दोनों टीम से अलग अलग जब प्लेयर ले रहा हूँ तो फिर दोनों टीम से अलग अलग लेना चाहिए तो यहाँ पे मैं बॉलिंग करता हूँ अभी इस टाइम मुंबई की तरफ से क्योंकि सॉरी मुंबई की तरफ से ना हाँ मुंबई की तरफ से मैं बॉलिंग नहीं कर रहा हूँ सॉरी मैं एल की तरफ से बॉलिंग कर रहा हूँ तो मैं दीपक हुड्डा की तरफ से मतलब बॉलिंग में कर रहा हूँ तो देखते हैं पहली बॉल डाल के क्या होता है पहली बॉल पे तो गई पहली बॉल जो है हमने नहीं डाली है रोहित शर्मा को रोहित शर्मा ने फ्लिक कराया शॉट को मतलब कवर्स की टाइप कवर्स की तरफ ड्राइव मारा है एक ही रन मिला यहाँ पे तो एक बॉल एक रन मिला है यहाँ पे कोई ज्यादा रन नहीं दिया है दीपक हुडा ने एज यूज बट एक बॉल एक रन बना चुकी है मुंबई इंडियंस सेकंड बॉल पर देखते क्या होता है सेकेंड बॉल जो डाली और इस पे क्या मिलता है सूर्य कुमार यादव को भाई रनआउट का चांस भाई यार क्या गलत एंड पे थ्रो कर रहे हो भाई तुम लोग गलत एंड पे थ्रो करोगे तो विकेट नहीं मिलने वाला तो गाइस अब हो चुका है दो बॉल दो रन रोहित शर्मा अगेन ऑन द स्ट्राइक क्या लगता है बाउंड्री मारेंगे रोहित शर्मा भाई ट्राई तो कर रहे हैं रोहित शर्मा बाउंड्री मारने का बट फिर से एक ही रन मिला है यहाँ पे तो तीन बॉल तीन रन हो चुके हैं सूर्य कुमार यादव फिर से स्ट्राइक पे भाई मिस्टर थ्री सिक्सटी कुछ भी कर सकते हैं भाई मैंने जस्ट बोला ही था मिस्टर थ्री सिक्सटी कुछ भी कर सकते हैं इन्होंने यहाँ पे स्कूप शॉट मार के चार रन ले लिया भाई यहाँ पे स्कूप शॉट बनता भी नहीं था यहाँ पे स्कूप शॉट लगा दिया भाई इन्होंने भाई कुछ भी कर सकते सूर्य कुमार यादव चार बॉल सात रन हो चुके हैं यहाँ पे एम आई के तरीके से। फिर से इन्होंने पूरी जान से बॉल को मारा है एक ही रन मिला है बट यहाँ पे चार बॉल नहीं नहीं से, दो रन भाई इतना स्लो थ्रो भाई नहीं आ रहा ऐसे तो नहीं जीतोगे पांच बॉल नौ रन भाई क्या कर रहे हो यार एल एस जी पांच बॉल नौ भी मतलब का रन दिया यार एक्स्ट्रा एक इस बॉल पे देखते क्या मिलता है गाइस इस बॉल पे एक ही रन देना प्लीज प्लीज एक रन एक रन से ज्यादा बिल्कुल नहीं फिर से यहाँ पे थ्रो किया है स्लो थ्रो फिर से देखा जाए तो नहीं मिला यार आउट हमें तो मतलब दो रन मिल गए तो हमें ग्यारह रन मतलब बारह रन टोटल डिफेंड करने हैं तो क्या लगता है गाइस एमआई डिफेंड कर पाएगी अपने बारह रन को पहली बॉल जो है के एल राहुल को हम डालते हैं क्या होता है के एल राहुल के साथ देखते हैं पहली बॉल पे चौका मार दिया भाई बंदे ने नहीं नहीं नहीं, नहीं चौका नहीं मारा है, बच गया भाई गाइज बहुत अच्छी फील्डिंग एम आई की तरफ से पहली बॉल पर तीन रन तो मिल जाएंगे गाइज आसानी से बट चौका नहीं गया एक रन हमने अपनी टीम के लिए बचाया क्या पता वही उसी रन से हम जीत जाए एक रन से एक एक रन से भाई जीते जाते हैं टीम तो वैसे भी ठीक है तो अब पांच बॉल में नौ रन देखते हैं क्या होता है मैंने यॉर्कर बॉल डालने की कोशिश तो करी है यॉर्कर पड़ती है कि नहीं देखते हैं तो गाइज इस बॉल को मैंने यॉर्कर डाला यॉर्कर अच्छे से एग्जीक्यूट भी हुई एक रन मिला है यहाँ पे गाइज सिर्फ एक रन दो बॉल चार रन हो चुके हैं यानी पांच बॉल में अभी भी हमें चार बॉल में सॉरी आठ रन डिफेंड करने हैं हर बॉल पर दो रन चाहिए अभी भी एलएसजी को जीतने के लिए यहाँ से बहुत मुश्किल होने वाली है एलएसजी के लिए एल एम के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है इस बॉल पे डिपेंड करेगा सब कुछ इस बॉल पे भाई इस बॉल पे फिर चौका मार दिया इसने इस बार फील्डिंग नहीं कर पाया और इस बार चौका मिलेगा तीन बॉल में चार रन चाहिए तीन बॉल में चार रन डिफेंड भी हुए हैं और नहीं भी हुए हैं तो कुछ नहीं कह सकते गाइज क्या होता है एल एस जी के साथ इस बॉल पर सब डिपेंडेंट है अगर ये बॉल खाली निकलती तो प्रेशर बनेगा फिर से मैंने यॉर्कर की कोशिश करी है यहाँ पे एक रन तो प्रॉपर मिल चुका है दूसरा रन मिलेगा नहीं यार थ्रो अच्छे से करो और ये डायरेक्ट थ्रो यस गाइस आउट डायरेक्ट थ्रो लगा और यहाँ पे रन आउट मिला मतलब रन आउट मिल गया यहाँ पे हमें और एल जी का एक प्लेयर रन आउट हो चुका है एम ने बहुत ही ज्यादा अच्छी फील्डिंग करी है यहाँ पे भाई इतनी अच्छी फील्डिंग तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी एल को करनी चाहिए थी तो शायद एम के भी एक दो विकेट मिल जाते हैं लेकिन दीपक हुडा ने अपना विकेट जैसा कि आप देख सकते हो दे दिया यहाँ पे रन आउट मिला है यहाँ पे भाई दो बॉल दो रन सारे मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुके हैं दो बॉल तीन रन सॉरी यहाँ पे यॉर्कर फिर से डाली है मैंने भाई गाइस यॉर्कर मिस हुआ पैरों की तरफ गई बॉल और यहाँ पे चार रन तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही जो एम आई हमारा यहाँ पे विनर हो चुका है आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना तब तक के लिए शब बखेर शुभ रात्रि जय हिंद जय भारत बाय